हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव की चैनल फॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज लिया, उसे इस प्रकार से रफली चॉप किया है, और 2 मीडियम साइज का टमाटर जो कि हमने इस प्रकार से उसे भी चॉप किया है, और 2 से 3 हरी मिर्च क्योंकि एक मिर्च को हमने 4 भागों में काटा है, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 लहसुन की कलियां को पेस्ट कर किया है हमने। और हमारा जो पनीर है 100 ग्राम के आसपास, उसे हमने मैश कर लिया है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल हमने फ्रेंड्स 1.5 चम्मच के आसपास इस्तेमाल किया है, और उसमें हमने जीरा और हरी मिर्च और प्याज ये डाला है। हमने उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। तो इसे हम अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। ये केवल हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, प्याज को सुनहरा करना है। तो ये हमारा सुनहरा हो चुका है प्याज फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक की जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसे ऐड करेंगे। और हम इसे लगभग 1 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि इसका अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो ये हमारा पक चुका है लहसुन अदरक अच्छे से। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है, और इन मसालों को हम मिला के इसे भी लगभग 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो इसमें हम थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी है इसमें, केवल मसाले को अच्छे से भून लेंगे। पानी डालने से मसाले अच्छे से भून जाएगा। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ज़्यादा तीखा हमें खाना पसंद नहीं है तो हम ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जो हमने रफली चॉप किया था। तो अब हम टमाटर को भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो लास्ट में हम यहाँ पे सब्जी मसाला थोड़ी सी ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसका फ्लेवर जो है और ही ज़्यादा टेस्टी हो जाए। तो ये हमारा सारा मसाला फाइनली अच्छे से पक चुका है। देखिए तेल ऊपर आ गया है, तो अच्छे से ये तेल भी सेपरेट हो चुका है, तो इसका मतलब मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मैश करके पनीर रखा था, उसे ऐड करेंगे। पनीर फ्रेंड्स हमने 100 ग्राम के आसपास लिया है। आपको जितनी आवश्यकता हो आप उस हिसाब से बनाएं। हमने 100 ग्राम के आसपास पनीर लिया था, उसे आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। हमने मैश कर लिया हाथों से। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमारा फाइनली पनीर भुर्जी बन के तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है फ्रेंड्स। आप इसे चाहे तो रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, ये पनीर भुर्जी तैयार बनके टेस्टी टेस्टी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना,
और आप भी इस रेसिपी को बनाएं और फैमिली के साथ इसका टेस्ट लें। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।